अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग की दुआ और आपके प्यार से। थोड़ा सो के उठ रही हूँ, थोड़ा सा अलग दिखेगा अभी क्योंकि हमारा फोन खराब हो चुका है। हमारा फोन खराब हो चुका है, उसको दिए हमने गैलरी में, तो क्या बताओ अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुकान, अब वो फ़ोन बन के आएगा, कम से कम हफ्ता लगेगा। और वो हमारे पास था वन प्लस फ़ोन जो कि हमने लिया था बहुत टाइम पहले, वो उसका व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि हमारा इसमें स्टोरेज फुल था, इसके वजह से हम लोग ने बना नहीं पाए। और जो जो क्लिप शूट किए थे वो डिलीट हो चुका था, डिलीट हो गया था क्योंकि हमारे फ़ोन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था वो टाइम पर। वो टाइम पर हम लोग को नदीम भाई अचानक आया और नदीम भाई हम लोग को लेके गए, तो हम लोग को आईफोन वो वन प्लस दिलाए, तो वन प्लस में भी प्रॉब्लम आ रहा था। हम लोग रिंग लाइट में या ट्राईपोर्ड पे लगा रहे थे तो वो चल नहीं रहा था, तो उसको आज हम लोग देखे आए गैलरी में, तो वो बोला भाई एक हफ्ता लगेगा। देखो इस बारे में बताया नहीं क्यों, क्योंकि वो फ़ोन वापस बनने देना था। हाँ, तो सोचा क्यों ना जब बन के आवे या उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, तो उसके बाद। और आसिफा का फ़ोन तो पूरा ख़राब है, ये आईफोन में स्टोरेज ही नहीं है, इसलिए बहुत मैंने अभी सोच सोच के बनाना पड़ेगा वीडियो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 5 नंबर फ़ोन देखने, एक सस्ता था, छोटा सा, सस्ता था, अच्छा अच्छा क्योंकि मेरा फ़ोन भी नहीं चल रहा है, इसका फ़ोन भी नहीं चल रहा है, जो ये एप्लीकेशन पे काम करती है वो भी नहीं चल रहा है। मतलब मेरा फ़ोन ऐसा हैंग हो रहा है कि मैं दबाती हूँ इनका नंबर तो लग किसी और का रहा है, और का रहा है, टुक टुक अपने आप से कुछ भी हैंग हो जाए। तो चलो देखते हैं फिर क्या देखते हैं कि नहीं, क्या पसंद आता है। तो आज का दिन तो बहुत भटकने में गया आज। हाँ चलो फिर मिलते हैं एक नंबर पर। क्या वजह जानू? तो ये वाला फ़ोन है MI का ना? MI का और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ये अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, पर इसमें खाली ब्रॉड एंगल नहीं, वाइड एंगल दिया है, पर इसमें तुमको अच्छा मिलेगा। ये है रियलमी का। हाँ वो रेडमी था। हाँ ये रियलमी है, वो MI है। MI तो जानू चेक कर रहे हैं फ़ोन, देखते हैं कौन सा पसंद आता है उन्हें। परेशान आत्मा हमारी, वो देखते रहेंगे। मुझे अच्छा लगा, रेडमी है शायद, ये अच्छा है ये वाला भी। तो मेरे जानू को पसंद आ रहा है ये फ़ोन, फ्रंट एंड बैक, वाओ बहुत प्यारा है। वो तुम्हारे लिए? हाँ मेरे लिए है, पता है। ऐसे अपनी लाइफ में मैं फ़र्स्ट टाइम फ़ोन ले रही हूँ, नहीं तो हमेशा ऐसा हुआ है कि या तो जैसे जानू को दूसरा फ़ोन दिला दिया ज़रूरत के लिए, वीडियोस के लिए, तो जो उनका फ़ोन रहा वो मैंने यूज़ कर लिया, उसे मैंने बेचने नहीं दिया। या उससे पहले जब मतलब मेरे पास कभी फ़ोन रहा नहीं, तो मेरे देवर छोटू ने कर लिया था न्यू फ़ोन, तो उसका जो फ़ोन था वो थोड़ा ख़राब भी हो गया था और अच्छा भी था, तो वैसे भी उस फ़ोन को मतलब किसी को भी देने वाला था, तो लो भाभी बोले तुम ले लो। तो पहले आज से तीन साल पहले मैं वो फ़ोन चलाती थी, 3-4 साल पहले। उसके बाद जानू को जब सेकेंड हैंड आईफोन दिलाया था, तो जानू का जो था, जो मैं चलाती हूँ अभी आप लोग को पता है, सैमसंग J7 प्राइम। तो पिछले 2.5-3 साल से मैं वो फ़ोन चला रही हूँ, और 3 साल से जानू iPhone 8 Plus चला रहे हैं। तो देखते हैं आज फर्स्ट टाइम मेरे लिए कोई फ़ोन बाय करेगा, इट्स माय जानू सही में। तो बस अजीब लग रहा है मुझे, मतलब मैं कभी अपने आप पे खर्चा नहीं करती, तो मुझे अच्छा नहीं लगता खर्चा करना। देखते हैं क्या होता है, मेरा दिल तो ऐसा धक धुक हो रहा है। डिसाइड किया है ये लेना, ये है कौन सा? Xiaomi का 11 लाइट, Xiaomi 11 लाइट नी एनी। तो आसिफा कैसा लगा? आसिफा बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा पीछे टाइल्स लग गई हो जैसे। कैमरा दिखाओ उसका, कैमरा देखो। अरे ऑन कर, कैमरा ऑन कर दिखाओ, कैमरा ऑन कर। हाँ तो बहुत ही मस्त लगा, आसिफा तो खुश हो गई है। ये फ्रंट कैमरा करो। तो हम लोग ने फाइनली फ़ोन लेने का डिसाइड किया है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अरे क्या मस्त दिख रहा है। तो चलो क्या बोलते, पक्का ना? तो पक्का है, एकदम हल्का पीस भी है, हल्का है ना। तो हम लोग ने तो ले आए हैं एक नंबर के बराबर सामने, मेरी लाइफ का फर्स्ट फोन। थैंक
थैंक यू जानू, थैंक यू सो मच यू एंड ऑल। पहले बिल तो बनाओ। बिल नहीं बना बेटा। हाँ तो बिल तो बन जाएगा, तो अब भी बन जाएगा। चलो तो फाइनली आसिफा ने फ़ोन ले लिया है। आराम से अलीता के रख के, रख के नीचे रख के, ऐसा रख के रखो ना। हाँ ऐसा। तो कैसा लगा आसिफा फ़ोन? मुझे तो बहुत प्यारा लगा। मेरे लाइफ का फर्स्ट फ़ोन है जो मैंने बाय किया है। क्या बोलते जाना? मस्त है। तो हम लोग ने लिया है ये वाला, फाइनल किया है। इंडिया नाम है इसका, Xiaomi 11 Lite। एनी तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो और ये रही बिल। हाँ तो फाइनली फोन मिल गया, हाथ में थैली है और यहाँ पे सब अपने भाई लोग। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू बाय। चलो फटाफट घर। तो फ़ोन मिल गया, आशीर्वाद को बहुत खुश है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर पे। तो आप लोग की दुआ से, आप लोग के प्यार से, तो आशीर्वाद ने लाइफ में पहला फ़ोन ली है कि नहीं आशीर्वाद? और वो भी मजबूरी में लिया, मजबूरी में, फोन नहीं चल रहा है बट। और ये फ़ोन में देखो ऐसा बनाना पड़ता है, और साथ में तंबूरा लेके घूमना पड़ता है। तो कोई नहीं, तो चलो अब हम ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, हमारा काम नहीं रुकेगा और आपको वीडियोस प्रॉपर मिलेगी, अच्छी अच्छी मिलेगी। और आशीर्वाद भी जो काम करती है वो प्रॉपर कर पाएगी उसकी वजह से। तो चलो फिर मिलते हैं घर पे। तो आशिफा लेने गई है मिठाई छोटी थी खुशी में, तो छोटी थी खुशी में आशिफा लेने गई है। मुझे पता है अभी घर पे जाऊंगी, शबनम आई हुई है, सब है, तो लोग मांगेंगे जरूर, इसीलिए ले रही हूँ पेड़ा, अपना फेवरेट वाला। ये वाला। हाँ तो हम लोग आ गए हैं घर पे, तो अपने आए हैं दामाद बाबू, और ये अमीर बैठा है यहाँ पे, हमारा कैप्टन। अरे सबाना चबाना सबाना, हम लोग ने क्या लाए? मोबाइल दिखाओ तो भाभी के लिए। देखो वैसे तो मैं पहले मेरे ससुर जी को दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि भाई घर के बड़े अब्बा है। उसके बाद बेचारे मेरे बड़े देवर को दिखाऊंगी, क्योंकि जब हम लोग कुछ नया शेयरिंग करते हैं तो बेचारे घर में नहीं होते, काम पे होते है कि नहीं? मेरा नंबर कब आएगा? तेरा लास्ट में आएगा अब्बा। यस, तुम्हारी बहू का जिंदगी का पहला फोन। वाओ वेरी गुड, पीछे कैमरा तो देखो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमारे यहाँ आया है कलवा का सत्तार। देखो अमीर भाई, वन प्लस गया उधर बनने। अरे टाइगर सर क्या कर रहे हैं? कैसा है? अब देख रही है सबाना पहला फोटो बैठू गए, वो गलती से आ रहे हो पीछे कैमरा देख, फोन कैमरा खोल, मस्त है ना? और ये आशिफा का फोन की जिंदगी, इसमें कोई नजर नहीं आता। देखो ये आशिफा का फोन का कैमरा है इसमें, लेकिन फिर भी साफ दिख रहा है अपने आईफोन में। इसमें देखो लेकिन कैसा लगा पाओ? अरे तुम मेरा कब, मेरा वो दिन कब आएगा मेरे हाथ में मोबाइल? तुम मलाल में जब काम पे लग जाएगा तब आएगा तेरा फोन। तेरे जैसा मैं भी एक जमाने से सोचती थी, गोवा खाना बंद करेगा तो आ जाएगा। हाँ गोवा खाने से क्या होता है? भारी में दोस्ती निभाना छोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। हाँ तो आप एक जगह काम पे लग जा, मैं अच्छे से। हेलो माय कॉल, फर्स्ट कॉल माय वाइफ। हेलो खोलो खाओ लूटो। हेलो वसीम, अमीर भाई बच्चे लोग के लिए भी निकालो ना, कागज ले लो लेके। अरे हाँ खाओ मिठाई खाओ, खाओ इधर देखो, खाओ सबनम, सबनम को खिलाओ सबनम। छोटू भाई की कमी पूरी हो गई। अरे बच्चे तो छोटू तो गया योला। ये भाई मेरे बच्चे की मिठाई है, सब खा लेना सब लोग। अरे भिखारी एक मिठाई। थैंक यू। थैंक यू भाई।
अरे कोई ये फोन हाथ में लो, जानू को भी खिलाऊंगी यार। हेलो ना, अभी वैसे बनाएंगे ना वाला। थैंक यू। तुम खाओ पहले, तुम्हारी मिठाई है। तुम तो पहली बार मोबाइल मिला जिंदगी में। थैंक यू सो मच। और ये थोड़ा आप लोगों को, आप लोग के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग का प्यार और दुआ जो साथ में है, तो जहर मिल गया। मेरे को भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये 10,000 का फोन है समझा। बस 10,000 मैंने खरीदा। अभी रेडी नहीं वाला ब्लॉग का। तो आसिफ बना रही है लड्डू मोबाइल की खुशी में। चलो खिलाओ तुम्हारे को एक। और ये देखो आसिफ बना रही है लड्डू रोटी के। और यहाँ बैठिए कलवा मोमरा। फिर अमरीन है, देखो जो वीडियो का डांस वाला डाला था मैंने रील्स पे, इधर देख रहे अमड़ो। हाय कर। हाय बोल। हाय कर। हाय बोल। दीवानी है नंबर। तो यहाँ पे आसिफा रोटी बना रही है। तेरी मर्जी, तू चावल या तो बना ले। मैं जब ऐसे मिलेगा अभी नहीं, अभी रोटी बना ले तो चिपक ना जाए। अस्सलामु अलैकुम। बोलो कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आप लोग की दुआ से। हाँ तो खाना खाए तुमने? नहीं खाए? अच्छा अभी हम लोग खाना खाएंगे है ना। क्या खाएंगे? ओ गोच। अरे मेरा बेटा गोच है यार। उठो पप्पी तो बको। अभी क्या खा के आए तुम? केक। बोलो केक खा के आए? केक खा के आए। अरे वाह पप्पी तुम। मेरा राजा बच्चा आज सो गया था ना, आज ये छोटे वाले पापा के ऊपर गिर गया खेलते खेलते, तो छोटे पापा के मुंह पे गिर गया, तो थोड़ा सा चाय नाश्ता मिला बच्चे का मेरे। हाँ मेरे बच्चे। मेरा बच्चा हाय बोल दो। बंद कर दो फोन, बंद कर दो। वाह तो एक्चुअली बहुत अजीब लग रहा है थोड़ा, और बहुत मज़ा आया। बहुत खुश है आसिफा और घर में भी सब खुश हुए। मेरे को बहुत रोना आ गया था क्योंकि मेरी मेरी रियल में मेरी लाइफ का फर्स्ट फ़ोन है। मैंने कभी आज तक नहीं लिया मेरे घर में, मतलब कभी इस चीज़ में अलाउ नहीं रहा। जब मैं 14 साल की थी, 14-15 साल की, तो वो नहीं अपन 5-5 रुपया जमा करते, 5-5 10-10 रुपया, वैसा मैंने जमा कर करके, और जो ईद वगैरह में पैसे मिलते थे ईदी, वो सब जमा के मैंने फ़र्स्ट फ़ोन लिया था अपना 1,000 रुपये में। उस टाइमिंग पे वो सेकंड हैंड चोरी का पीस होता है ना, तो अरे वो वीडियो कॉन नाम था उसका, कीवर्टी था, ब्लैकबेरी जैसा दिखता था, ब्लैक कलर का। उसके बाद में मेरे पप्पा ने मतलब घर बिकवाया था मैंने, मतलब वो लगा दिया था, सेटिंग लगा दी थी। मेरे पप्पा का अपना यहाँ का मानपुर का घर नहीं बिक रहा था, तो मेरी फ्रेंड थी उसके पप्पा को भी लेना था, तो मैंने मिला दिया था। तो अब्बा को मैंने सब बोली थी, अब्बा मुझको क्या देंगे, जैसा कि लगाते हैं ना एजेंट लोग रूम का, तो लोग लेते हैं अपना 10,000-20,000-30,000 ऐसा लेते हैं लोग ऊपर पैसा। तो मेरे अब्बा बोले तेरे को फ़ोन चाहिए ना, मैं तेरे को फ़ोन दिला दूंगा। मैंने बोला ओके। तो जितने में बोले थे उतने में मैंने वो घर उस टाइम पर बिकवा दिया था। तो मेरे पप्पा ने तब मुझको फर्स्ट फ़ोन दिलाए थे 7,000-7,500 का, ये सोनी रेक्सन का कीवर्टी। तो वो मेरा पहला और आखिरी फ़ोन रहा। शादी के बाद तक मैंने वही यूज़ किया। वो मैंने 17-18 साल की उम्र में लिया था, आज से 2011 में। तो वो मेरा आज तक चला, मतलब कब तक चला जानू, 2016 तक मेरे पास था ना वो। 2016 में वो टूटा, ख़राब हो गया, मतलब उमर बहुत फेंकता था कभी कभार, 2-4 बार उसके हाथ से गिरा, वो ख़राब हो गया। उसके बाद मेरे पास कभी फ़ोन नहीं रहा, डब्बा पीस कभी ये लेकर आए 100-200 रुपये वाला या इनका छोड़ा हुआ, हमेशा मैंने यही सब यूज़ किया। मेरे देवर ने एक बार दिया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, छोटू ने न्यू फ़ोन लिया था तो उसका फ़ोन ख़राब हो गया था, तो वो वाला हम लोगों ने थोड़ा सा पैसा खर्चा करके बना के मैंने वो चलाया। फिर जानू को जब मैंने ये आईफोन 8 प्लस ये इन्होंने लिए थे, तो इनका ये वाला फ़ोन मेरा फेवरेट सैमसंग J7 Prime। कैमरा टूटा हुआ, इसका पीछे का कैमरा तो है ही नहीं ऐसा समझ लो, टूटा हुआ है पूरा, फ्रंट का थोड़ा बहुत अच्छा चल जाता है। तो ये फ़ोन के बाद लाइफ में मतलब फर्स्ट टाइम मेरे लिए अच्छा फ़ोन, मस्त स्क्रीन टच स्मार्ट फ़ोन, तो मैं क्या बोलूँ अल्लाह। थैंक यू सो मच, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, थैंक यू। खुश है ना तुम? बस अरे तुम्हें इमोशनल क्या बनेगा पागल? कुछ नहीं यार, ऐसी खुशी उसी छोटी छोटी खुशी में चलता है, होता रहता है कि नहीं, तो ऐसा इमोशनल नहीं होने का।
और इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो मैं तुमको इससे अच्छा और फ़ोन दूंगा। तो है कि नहीं, मेरा पप्पू है मेरा बच्चा मतलब। तो कुछ नहीं यार, बस तो ऐसे ही आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहना, दुआ में याद रखना, और मेरी पप्पू खुश हो गई ना, खुशी क्या से? मतलब मैंने कभी ऐसा इतना महंगा या इतना अच्छा ऐसा फ़ोन कभी लिया नहीं है, कभी सोचा नहीं। वन प्लस भी हम लोगों ने उस टाइम पे अभी कुछ दिन पहले ही लिया, मजबूरी में लिया, क्योंकि उस आईफोन का ना कैमरा प्रॉपर चल रहा है, ना इसमें वॉइस आती है ना कुछ। अभी भी देखो ना, पूरा एक्सटेंशन लेकर बैठना पड़ता। हम लोगों ने कैसा भी करके, आईफोन में स्पेस नहीं था, तो बहुत खुशी से हम लोगों ने कैसा भी करके कितने सारे व्लॉग्स उड़ा के करके वन प्लस का वीडियो बनाया इतने अच्छे से। बट पता नहीं ऐसा क्या हो गया आईफोन में भी इशू, कि पूरा जितना उसका व्लॉग बनाया था हमने, अपनी जितनी खुशी उसमें जाहिर की थी उसको लिए थे, वो पूरा ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। तो ना आप लोगों से वो चीज़ शेयर कर पाए, ना बता पाए, और ऐसा हो गया फ़ोन लेने के जस्ट अभी 10-15 दिन बाद से ही फ़ोन में मतलब मिस्टेक्स प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। उसको वापस देना था, उसे रखें कैसा भी यूज़ कर रहे पर टाइम नहीं मिल रहा था उसे बनाने देने का, तो अभी ले जा कर के आज उसे दे कर के आए। तो आज आप लोगों से वो खुशी शेयर कर रहे हैं, हमने छुपाया नहीं, हम बताना चाहते थे आप लोगों को, लेकिन ऐसा हो गया कि जो चीज़ बनाई वो चीज़ ही डिलीट हो गई, तो आप लोग तक पहुँचाएँगे कैसे। बट कोई ना, उसका नहीं पहुँचा पाए, बट इसके साथ में उसका भी बता रहे हैं, बट इसकी खुशी इंशाल्लाह आप लोग तक ज़रूर पहुँचेगी। और कल का हमारा पहला व्लॉग इंशाल्लाह इसमें बनाएंगे, है कि नहीं जानू? जब तक वन प्लस बन के आएगा तब तक इसमें बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा जो अभी घर के लिए मतलब हम लोग सेविंग कर रहे हैं, उसमें से थोड़ी सेविंग्स हमने अभी फ़िलहाल के लिए तोड़ी, क्योंकि इमरजेंसी भी है और प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स अभी आए जा रही हैं, तो अभी ज़रूरत में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। फैमिली के लिए भी अभी पैसों की ज़रूरत थी, तो थोड़ी सी सेविंग्स हमने हमारी तोड़ ली घर के लिए जो हम जमा कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि परिवार का हेल्प करना फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है हमारी। तो इसलिए हम लोगों ने वो चीज़ भी सोची, और फ़ोन अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचाने के लिए, अभी वो फ़ोन आने के लिए हफ्ता लगेगा या शायद उससे ज़्यादा दिन भी लग सके, तो आप लोगों तक हम कनेक्ट कैसे करेंगे? खाली आईफोन के थ्रू नहीं हो पाएगा, बहुत या तो कम ना के बराबर हो पाएगा। डेली व्लॉग्स बन पाता नहीं बन पाता, एटलीस्ट एक फ़ोन में हमको दो व्लॉग बनाने के लिए चाहिए, कि दो व्लॉग एक एक्स्ट्रा रहे तो ही आप लोगों तक हम पहुंचा पाते हैं, एक्स्ट्रा व्लॉग होता है तो ही। ऐसा नहीं हो पाता है कि आज बनाए, एडिटिंग किया, कल डाल दिया, नहीं हो पाता है। बहुत टाइम लगता है इसमें, बहुत मेहनत लगती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना प्यार है, इतना सपोर्ट है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, कि हम इतना सब कुछ अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, और अपनी हर चीज़ आप लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि हमारी फ़र्स्ट फैमिली अगर ऐसा देखा जाए तो ये तो है ही, बट इसके अलावा अगर हमारी फ़र्स्ट फैमिली देखा जाए तो वो आप लोग हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, जिनके दिल में हमारे लिए इतना प्यार है, इतना सब कुछ है। जब आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना, ऐसा दिल होता है, इतनी खुशी होती है, कि काश शायद आप लोग सामने होते तो आप लोगों के मैं हाथ चूम लेती खुशी के मारे, क्योंकि आप लोग उतनी मोहब्बत देते हैं हमें, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तो खुश है ही, आप लोग भी हमारी खुशी में थोड़ा सा शामिल हो जाइए, दुआ करते, क्या बोलते हो जानू? हाँ, तो ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखे, लाइक कमेंट शेयर करते रहना, दुआ में याद रखना, और मेरे को फॉलो करना मत भूलना इंस्टा पे, इतनी अच्छी अच्छी रील बनाती हूँ, उसमें बनाई थी सब उड़ गया भी, और सब आधे आधे में रील्स वो हो जा रही है, बंद हो जा रही थी, बहुत टेंशन हो रहा था, बट अब हमारी वीडियोस नहीं रुकेगी। अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको वापिस है, च्युइंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के, उमेर सो गया, उमेर की तरफ से घंटा बटन दबाना मत भूलना, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।